इधर प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल आज पीसीसी कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। बता दें, प्रदेश में कांग्रेस संगठन को लेकर जेपी अग्रवाल ने कहा कि हमें सबसे छोटी इकाई को छूना है। विधानसभा चुनाव में मजबूत संगठन के साथ कांग्रेस आगे बढ़ने वाली है, इसलिए सबसे छोटी इकाई को हमें छूना है और उसे मजबूत करना है। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल भोपाल पहुंचे हैं और पीसीसी में तमाम जो विधायक पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे बात भी करेंगे। सर, भोपाल आप पहुंचे, तमाम विधायकों से मिले, मध्य प्रदेश में संगठन को लेकर कैसी स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत मजबूत संगठन है और आपने देखा होगा सब में बड़ा जोश है। विधानसभा चुनाव के एक साल ही बचे, कह सकते 13 महीने बचे हैं, तो क्या कुछ नए प्रयोग आप करेंगे ताकि मध्य प्रदेश में एक बार फिर वापस सरकार सत्ता में आए कांग्रेस? देखिए, हमारी एक राजनीतिक पार्टी है और वो 24 घंटे तैयार रहती है। हमें किसी पर्टिकुलर काम के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती। हमारी जो इकाइयां हैं, चाहे वो प्रदेश की हो, जिले की हो, ब्लॉक की हो, यूनिट की हो, वो सब हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी बराबर मीटिंग होती है, जल्द से जुलूस होते हैं और जो प्रदेश प्रेसिडेंट का जो प्रोग्राम होता है उसके साथ सब जुड़ते हैं, तो कोई तैयारी तो है ही और ताकत से लड़ेंगे। सर, मध्य प्रदेश में हाल ही में निकाय चुनाव भी हुए, निकाय चुनाव पंचायत चुनाव के रिजल्ट को लेकर क्या फीडबैक आपको मिला है? अभी समय लगेगा, अभी मुझे सारी चीज़ का पता नहीं, लेकिन कहते हैं पहले से बेहतर है। लेकिन एक नया प्रयोग आप कर रहे हैं कि ब्लॉक अध्यक्ष के यहाँ चाय पर चर्चा करने जा रहे हैं, शायद ये पहली बार कांग्रेस में हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इससे भी कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा कि एक प्रदेश प्रभारी ब्लॉक अध्यक्ष के घर जा रहा है, तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश पैदा होगा कि हाँ, आप कुछ नया हो रहा है। सर, वो नींव है हमारी, वो कमज़ोर हो सकता है लेकिन उसकी मजबूती में कोई कमी नहीं है, उसकी डेडिकेशन में कोई कमी नहीं है। कट्टर आदमी है वो, तो उसको ही तो छूना है हमें। वो जाग जाएगा तो सारी कांग्रेस जाग जाएगी। और क्या ऐसे नए प्रयोग करेंगे? 13 महीने का समय है, देखते हैं, अभी तो शुरुआत करी है। समय तो बिल्कुल, सबसे छोटी इकाई ब्लॉक अध्यक्ष को मजबूत करना है, शायद यही वजह है कि आज ब्लॉक अध्यक्ष के निवास पर चाय पर चर्चा करेंगे और 13 महीने का समय है, किस तरीके से कांग्रेस सत्ता में वापस आए इसको लेकर तमाम पदाधिकारियों के साथ पार्टी को आगे ले जाने का काम जेपी अग्रवाल करेंगे। भारत बुंदेला के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।